स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार मुफ्त में किताबें, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा सहित मुहैया कराई है। यहाँ तक कि सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन भी मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। लेकिन स्कूलों में शिक्षक क्या नाम है बच्चों बेटा को आपका? मुफ्त में दी जाने वाली उक्त सामग्री कशिश। को या तो अच्छा, हड़पने में कहाँ जुटे पढ़ते हो हैं या आप? फिर बच्चों को पैसे लेकर दे रहे हैं। बरेली के विकास खंड क्यारा के एक स्कूल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं क्यारा के गांव चौबारी के प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों ने बुधवार द्वारा की स्कूल के प्रधानाध्यापक कमलेश्वर बाबू शर्मा ने सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को मुफ्त दिए जाने वाले प्रति स्कूल बैग की कीमत उनसे 50 रुपए वसूल की है। साथ ही 2 जोड़ी मोजे की कीमत 10 रुपए वसूल की है, जिससे अभिभावकों व छात्र छात्राओं में बेहद रोष व्याप्त है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की शिकायत विभागीय जिम्मेदारों से की गई। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य विभागीय अफसरों ने स्कूल जाकर मामले की जाँच की, साथ ही बच्चों के बयान की वीडियो क्लिप व लिखित में बयान दर्ज कराए, तो छात्र छात्राओं के बयान के अनुसार मामला सही पाया गया। लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे ये सिद्ध होता है कि आरोपी प्रधानाध्यापक की जड़ें विभाग में मजबूत हैं और अधिकारियों ने मामला सांठ गांठ करके दबा दिया है। यहाँ पर क्या है मैडम आप? मैं असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर हैं हाँ जी, प्राइमरी में? प्राइमरी में। ठीक है मैडम। मैडम यहाँ से आपके क्लास से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि बैग हमको बड़े सर ने दिया है और 50-50 रुपए लेकर के दिया है। हाँ जी, ये मामला आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैंने बात कभी हुई भी थी तो मैंने बच्चों से बच्चों ने बाद में ही मुझे बताई थी, लेकिन मेरे ना मेरे से पूछ के बच्चों ने लिया ना मेरे को मालूम है। अच्छा। मेरे से ना मेरे सामने दिया गया है। चर्चा तो है इस, हाँ, हाँ चर्चा मुझे बाद में बच्चों ने ही बताया, तब मुझे पता चली, बाकी अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक, यस, थैंक यू। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।